तो यहाँ पर माँ ने अपना काम शुरू कर दिया था, मिट्टी का चूल्हा जला के सबसे पहले ये जो मीठा पानी होता है, शरबत बोलते हैं हमारी भाषा में, तो ये गर्म कर लिया है, पका लिया अच्छे से, और इधर कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है। और अब माँ बनाएगी सूजी का हलवा। 1 किलो का मेजरमेंट रहता है माँ का सूजी का, उसी के अकॉर्डिंग जो है 4 लीटर मतलब मीठा पानी होता है, तो माँ ने उसमें छान लिया। सूजी अच्छी थी ये, तो फिर भी अपना थोड़ा वहम मिटाने के लिए छानना तो पड़ता ही है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मैंने माँ के पास में रख दिए थे। मैंने सोचा जब तक माँ इसे बनाएगी तब तक मैं भी तैयार हो जाऊँगी, तो हम लोग समय से जो है, आज प्रीति अरविंद भैया को हमने बोला था, अमित को भी, कि तुम लोग हमें माड़ी पर ही मिल जाना, नहीं तो फिर वो लोग घर आते हैं यहाँ से पैदल जाते हैं तो उसमें बच्चों को टाइम लग जाता है। आज पहले ही इन्होंने बोल दिया था, गुड्डू के पापा ने, कि आज रिक्शा में चलेंगे, बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर माँ ने साथ के साथ सूजी को भुनने के बाद में ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, किशमिश, काजू, बादाम, तो अच्छे से भून लिया है। और माँ के हाथों का जो प्रसाद होता है वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। हर बार माँ की मदद मैं करती थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा तैयार होने में मुझे लेट हो गया था। पहले मैंने नाश्ता बनाया, प्रीति को बोला कि तुम लोग चले जाओ, क्योंकि कई जगह जाना पड़ता है पूजा पाठ करने के लिए, पूरी परिक्रमा करनी पड़ती है, तो वहाँ पर समय लग जाता है। और देखो त्योहारों पर जो है, ऐसा तो है नहीं कि भाई सब धाम खाली मिलेंगे, तो हर जगह बाहर से भी लोग आते हैं, तो थोड़ी सी भीड़ भी मिलती है, कहीं कहीं जगह इंतज़ार करना पड़ता है काफ़ी देर तक। तो यहाँ पर माँ ने हलवा मतलब कढ़ाई जो है बनाकर तैयार कर दी है। ये कढ़ाई माँ अपने हाथों से बनाकर ही हम सबके हाथों में चढ़वाती है। अमित भी जाएगा और अगले साल फिर बनाएंगे, अमित का जब जो है निशान चढ़ाया जाएगा। बड़े होते हैं तो उन्हें सब चीज़ें पता होती है, हम लोग तो एक आध बार भूल जाते हैं, लेकिन माँ ऐसी चीज़ें मतलब कभी नहीं भूलती, पूरे अच्छे तरीके से हर काम को मतलब बहुत बढ़िया तरीके से दिल से करती है, पूजा पाठ करवाती है सबसे। तो अब यहाँ पर जो है ऊपर से भी माँ ने इसमें थोड़े से काजू बादाम जो है डाल दिए थे। अभी हम लोग घेर में आ गए और ये अपनी साइकिल चला रहा था। साइकिल चलाने का इसे बहुत ज़्यादा शौक है, तो अभी साइकिल इसकी छोटी हो गई है और इसके लिए हम नई साइकिल लेकर आएंगे होली के त्यौहार के बाद में, क्योंकि ये साइकिलिंग करता है और इधर तो इसे स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, उधर सामान रखा रहता है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी दोपहर के जो हैं 2 बज गए हैं और मैं सारे बच्चों को लेकर नए घर में पहुंच गई हूँ। नए घर में मुझे इसलिए आना पड़ा, वहाँ पे चिंकी और प्रीति परेशान कर दिए थे इन्होंने दोनों। बना दी माइमन लग रहा तेरा है? क्यों यहाँ मन नहीं लग रहा अभी जा है? पेपर अच्छा नहीं, 1 तारीख से तो 1 तारीख से तो सबके स्कूल है, तेरा मन नहीं लग रहा क्या? लग रहा है उस कमरे में, तो ऊपर लौट जाइयो, यहाँ लौट जाइयो, देख यहाँ कितनी हवा लग रही, और हवा की वजह से पूरा घर जो है साफ करना पड़ रहा, प्रीति को और चिंकी को दोनों लगे पड़े, और हमें कह दिया तुम घेर में चले जाओ, वहीं कपड़े कुपड़े धो लो, जो तुम्हें करना वहीं आराम कर लियो। तो मैं सोच रही यहाँ 1-2 चारपाई डलवा हो अपना, दोपहरी में काम निपटा के आ गया और यहाँ बिछा ली। मैं माँ को भी यहीं ले आई, मगर माँ चलो घेर में चल ले, हम तो यहाँ घर खाली कर रहे आते बहुत हवा लग रही है, यहाँ ठंडी एकदम, मेरे भी सर में दर्द होता है यहाँ से, अभी तक कुछ नहीं खाया पिया था ना, व्रत है मेरा। और इधर मैंने पहले वाइट वाइट वाले कपड़े डाले, जो नंदिनी ने अभी तक फ्रॉक पहन रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया, अब ये कपड़े धुल जाएंगे। और हवा बहुत तेज है यहाँ भी, लेकिन चिमटियाँ लगा दूंगी मैं कपड़ों पे, बच्चों को मैं लेके ही आ गई थी, ये तो बेचारा अपनी साइकिल चलाता रहे हैं, साइकिल चला ले, ले आराम से, चोट ना लगवा ली, ले तो हाँ भाई कीड़ा है यहाँ तो भाई, यहाँ बरसी है ना, ये कीड़े ना ऐसे ऐसे बरसी में हुए हैं, बरसी में। और लाइट चली गई भाई बीच में ही, ये देखो हो गया कपड़ों में धोखा, अब ये धुलने के नहीं, माँ लाइट चली गई है तो हैं आ जाएगी बच्चे बाबू। जैसी हवा पहले चल रही थी ऐसी चलती तो अब तक सूख जाते, और ये देखो बूंद होगी स्टार्ट आनी, जैसे ही कपड़े धोगा हटे, मशीन तो करती धोगा बरामदे में, ताकि ये ऊपर से इसमें पानी ना भरे, कुत्तों के लिए लाई थी ये पूरी, मैं आ जाया नहीं वहां से, पता नहीं कहाँ जा लिए बेचारे सारे के सारे।
ब्याज वहाँ होंगे पर, और यहाँ की लाइटें वगैरह बंद कर दो। ये लाइट ना उल्टी हो गया बंद, देखो ये स्विच सारे और वो खुल रही है। अब वही इस तरीके से लग रहा है इसका पॉइंट। अब मैं माँ को कह रही, मैं कहीं कपड़े तार लो क्या, तो माँ को कह रही पहले रहने दे, कहीं नहीं गल रही है, दोए कपड़े सारे गिल्ले हो जाएंगे। और ये कढ़ाई बताई जाती है काली की कढ़ाई, तो ये खाना जो होता है वो कुत्तों के लिए अलग से बनाया जाता है। और ये देसी घी का आटे का हलवा, और इसमें ऊपर से भी घी लगा रखा माने, और सरसों के तेल का दिया लगाया जाता है। बाकी सब जगह जितनी भी जगह पूजाई देसी तेल का दिया, लेकिन धूप जो है वो देसी घी की उठाई जाएगी जो धोख लगेगी। और माँ ने यहाँ पे लोटे पानी रख लिया। चलो भाई मैं भी धूप दे देती हूँ। तो ध्यान रखे लेकिन जब मोल, हाँ हाँ आप भी, लेकिन चप्पल पीछे, चप्पल पीछे, चप्पल जूते पीछे रखो और हाथ धो गया। किस किस के नाम की धूप लगाई आपने? किस सब के नाम की? उस भैया के, पापा के नाम की? हाँ सब के नाम की। चलो ठीक है। और पूजा करने के बाद में अब नंबर आता है लंगरी का। लंगरी पूरे घर में घुमाई जाती है। और ये देसी तेल का दिया, और ये देखो आटे की लोई बना गई, उसमें थोड़ा गोल गोल करके लौंग लगा के, पांच पतासे चावल और पान का पत्ता, और क्या डाल ले जामा। और इसमें ये बत्ती जला के पूरे घर में घुमाओगे ऊपर नीचे को। पहले तो दरिया में देख रहे थे, दरिया मतलब तालाब में दे आऊंगे यहीं से। और इधर बननी आलू की सब्जी। बहुत बढ़िया हो रहा माँ, जहाँ अमित की पूजा करवाई थी मैंने तो पहली बार देखा। तन्ने पहली बार देखा? पहली बार देख, हाँ मैं भी पहली बार ही गई सोनिया के, उसमें तो जब ऐसी स्थिति थी दोनों की, छोटे छोटे बच्चे थे। चलो भाई अब माँ ये भी काम करते, कि ये काम दिन छिपने से पहले सारे करते। कुत्ता मिल गया था और वो भूखा ही था, और आराम तक खा लगा। काला तो मिला नहीं लेकिन लाल था। नाना घेर में घेर की उस पर पटड़ी ही पर जहाँ गेहूँ की वाया ना, वहाँ रखा ही वो थैला, किसी के कहीं वो नहीं रखा ही। मैं बच्चों के लिए आलू बनने, बाकी सब के लिए साग बन गया। साग जरूर बनाए हमारे यहाँ होली पे। तो भाई व्रत जो है हम लोगों का होली का पूरा हो चुका है, और जो गोलगप्पे और राजभोग बनना था वो भी बन चुका है। कल आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में पाल फैमिली पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आरुष को अभी नींद नहीं आ रही, क्योंकि इसने एक झपकी सी ले ली, थोड़ी सी थकान महसूस कर रहा था आज। भाई बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है अपने चाचा चाची के साथ में, जाके हर जगह माथा टेक के आया, पूजा पाठ करके आया, और आरुषी को सुला दिया, वो सो गई है। चल भाई तू भी सो जा, बाकी सब बच्चे भी सो गए हैं। अभी से नींद नहीं आ रही, इसकी नींद उतर गई जो झपकी आई थी, इसने टीवी देखते देखते वो ले ली। और इसका सवाल है, मम्मी होली आज है या कल है? बेटा आज पूजन करने वाली होली थी, कल है रंगों वाली होली, जैसे छोटी दिवाली होती है बड़ी दिवाली होती है, ठीक है ना? होली पे तो पता ही होगा। ओहो होली पे तो पता ही होगा कितना मजा आने वाला, पिचकारी कलर। पहले तभी पहली होली पे भैया ने ड्राम उठा दिया था, ड्राम उठा दिया था, पूरे ड्राम में गिरा दिया पानी का। और पिचकारी आ गई, इनके कलर भी आ गए, लेकिन वो इनके लिए अभी सरप्राइज है। रेड और ग्रीन कलर है, रेड पिचकार और... पानी में गिर के उसे गोल के पिचकारे में लोगों को ये आने वाला है कल। ये सबको रंगों वाली होली की हैप्पी होली है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।